चरखी दादरी के गांव सावल से सरपंच पद प्रत्याशी नंदिनी परमार ने गांव में जनसंपर्क अभियान चलाया हुआ है, जिसके तहत गांव की शिक्षित बेटी नंदिनी परमार डोर टू डोर कैंपेन कर रही है। नंदिनी परमार का कहना है कि ग्रामीणों ने जिस उम्मीद के साथ उन्हें चुनाव मैदान में उतारा, उस उम्मीद पर खरा उतर कर वे गाँव का चहुमुखी विकास करवाएंगी। नंदिनी परमार का कहना है कि ग्रामीणों का पूरा समर्थन उन्हें मिल रहा है, जिसे देखकर वे अपनी जीत को लेकर भी आश्वस्त हैं। नंदिनी परमार ने बताया कि महिलाओं के उत्थान के लिए गांव में सिलाई सेंटर और युवाओं के लिए गांव में कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। जैसे अभी मैं गांव में घूम रही हूँ, ब्यौरा ले रही हूँ, तो गाँव में एक जो हमारा एरिया है वाल्मीकि और हरिजन भाइयों का, तो वहाँ जो घूम के देखा है मैंने, तो वहाँ सबसे ज़्यादा समस्या मीठे पानी की है। तो मेरी प्राथमिकता यही है कि सबसे पहले जो मैं अगर मैं सरपंच बनती हूँ तो सबसे पहले वहाँ के एरिए में पानी की समस्या को दूर करूँ। मेरा सबसे पहला कार्य यही होगा कि 31 जनवरी 2023 से पहले पहले, जैसा हमने बताया भी है, कि उस समस्या का हम निपटारा करेंगे।